कैंट थाने की पुलिस ने महिला के गले से चैन छीनने का प्रयास करने वाली तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पूजा पत्नी रवि निवासी करवलिया थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा मुस्कान पत्नी मेजर निवासी करवलिया थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, तीसरी अंजलि पत्नी विशाल निवासी करवलिया थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि वादिनी मुकदमा द्वारा ऑटो रिक्शा में यात्रा के दौरान ध्यान भटकाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वादिनी के गले से चैन छीनने का प्रयास करने के संबंध में थाना स्थानीय कैंट पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल अजीत यादव, महिला कांस्टेबल ज्योति ममता यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट के जटेपुर क्षेत्र में गणेश चौराहे पर आज 12:30 बजे के करीबन तीन महिलाओं ने एक चलते ऑटो में एक महिला के साथ में चैन छीनने का प्रयास किया। वो चैन छीनने में सफल नहीं हुई, लेकिन उस महिला ने शोर मचाया तो पास ही में खड़ी पुलिस एवं जनता द्वारा उन तीनों महिलाओं को पकड़ लिया गया एवं उसके बाद में उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन तीनों महिलाएं पूजा, मुस्कान और अंजलि ये बढ़लगंज की रहने वाली हैं और ये शातिर हैं। इस तरह के काम ये जनपद के गोरखपुर शहर में कई बार इन्होंने करने का प्रयास किया है। इस बार ये गिरफ्तार हुई हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है। और यह ध्यान रखने योग्य है कि ये महिलाएँ छोटे बच्चे को ऑटो में बैठा के, ताकि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का शक ना हो, ये इसका कवर बनाती हैं और कवर के आधार पर फिर उसे बातों में उलझा के मंगलसूत्र या चैन इस तरह की चीज़ें छीनने का काम करती हैं। इस गैंग को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू।